तो चलिए जी, भाई भाई तैयार हो गया। भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। ओ भाई साहब, यहाँ पे से क्या गजब लग रहा है यार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नए दिन के साथ में एक नई वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो आप सभी को इस पहाड़ी भुला का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सब लोग अपने परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मेरे इस प्यारे से गांव से, जिसका नाम है जी धौंतरी। आज योगा दिवस है, यानी कि भाई 21 जून। आप सभी को योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और योग करते रहो। आज तो भाई लोगों की सेल्फी और वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल वायरल हो रही है। हम योगा कर रहे हैं इंटरनेशनल डे पर। और मेरा मानना ये है कि भाई एक दिन के योगा से कुछ भी नहीं होगा, आप हमेशा योग करिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज के मौसम का हाल चाल बता देते हैं आपको। तो जी ऐसा कुछ है आज का मौसम बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लियर लग रहा। बादल के छोटे मोटे तिनके आपको दिखाई दे रहे होंगे और गांव का भाई आजकल बहुत खूबसूरत माहौल बन रखा है। चारों तरफ जिधर भी आप नजर डालें उधर हरियाली सी छा रखी है। चिड़ियों की चहचहाट देखिए आप, मस्त। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। आज मेरा गाँव में अंतिम दिवस है। आज मैं अपने गाँव को छोड़कर देहरादून जा रहा हूँ। गाँव को छोड़कर बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ की तो बात ही कुछ अलग है। यहाँ का और वहाँ का मौसम बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क है। यहाँ हम रजाई ओढ़ के लेट रहे हैं और वहाँ पर तो भाई AC भी कम पड़ रहा लोगों के लिए, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही। लेकिन क्या करना, मजबूरी है यार, जाना तो है ही। चलिए जी यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। सुबह के 8:30 हो गए हैं और नाश्ता करने का टाइम हो गया है। आज नाश्ते में बनाए बीन आलू की सब्जी, रोटी, चाय और सॉस भी रखा हुआ है अर्ची ने। और माँ जी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, मैं नहाने के लिए जा रखा था। तो आज सुबह का नाश्ता सारी फैमिली के साथ में हो रहा है। कल से तो भाई अकेला होगा देहरादून में नाश्ता। आज का नाश्ता एंजॉय करते हैं बढ़िया से फैमिली के साथ में। और थोड़ी देर में 10 बजे के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा देहरादून के लिए। हमारे यहाँ पर जो मधुमक्खी पाल रखी है उसका हम शहद निकालेंगे। पहली बार हम ये काम करेंगे, इससे पहले हमने कभी कुछ ऐसा करा नहीं। तो मेरे छोटे भाई ने BSc एग्रीकल्चर कर रखा है और उसको थोड़ा बहुत जानकारी है इस चीज़ के बारे में, तो वही निकालेगा, वही सब करेगा। हमारे पास कोई सूट वगैरह कुछ है नहीं स्पेशल, लेकिन भाई ऐसे थोड़ा कपड़े कुपड़े बांधेंगे क्योंकि काटने का डर रहता है। तो चलिए जी भाई तैयार हो गया। ये देखो आप, उसने चुनी चानी लपेट ली है अपनी सेफ्टी के लिए। डर भी लग रही भाई, धकधकी हो रही, धकधकी। कहीं ऐसा ना हो कि हमको ही बम्फू बना दे। ये धुआं लगा रहे हैं मोल गोसा से। ये धुआं लगने से जो है मधुमक्खी एक एक करके बाहर चले जाएगी। और भाई साहब मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमारे इस वाले कमरे पे पहले से भी मधुमक्खियाँ रहती थी जब हमारा पुराना घर था। और अभी ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लिया है 2100 रुपये में। जा रहा। तो पहले यहाँ पर सोपर वर्ण थे, मिशन ये समाप्त कर देते हैं। जब देहरादून जाने से पहले शहद का टेस्ट लिया जाए, लेकिन शहद तो अभी बना ही नहीं उसमें। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, कुछ महीने और वेट करेंगे। अभी इन मधुमक्खियों को आए हुए केवल 3 महीने हुए, तो इसलिए यहाँ पर भाई उन्होंने अभी शहद वगैरह बनाया नहीं है, तो अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। देहरादून जाने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ और माँ जी से भाई बाय बाय कर लेते हैं। और अर्चना कुछ दिनों बाद आएगी, मुझे पहले जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए। वही होता है अपना गाँव बाहर सब छोड़ के जाना पड़ता है। और माँ जी भी बहुत मजबूरी थोड़ा तो होता ही यार। अपने इतने दिनों से मैं घर पे था तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा जाने में। छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन जाना ही पड़ता है। तो ये एक सबकी मजबूरी है और हम में से आप में से भी बहुत सारे लोग बाहर जा रखे होंगे। और परिवार चलाने के लिए सबको बाहर जाने ही पड़ता है। हाँ जी चल ठीक है, बाय बाय ठीक है भाई। तो चलिए जी निकलते हैं यहाँ से। अभी जाने से पहले भाई मुझे बैंक में जाना है, एक छोटा सा काम है वो निपटाना है। ठीक तब है, माल में परेशान ना करो। ठीक है बाय बाय। ये जो रास्ता है ना हमारा, इसमें गाड़ी चलाना हर किसी की बस की बात नहीं है जी। जिन्हें एक्सपीरियंस होगा ऐसे रास्तों में चलने का, वही भाई रास्ते में गाड़ी चला सकता है। नौ सीखिया और जिन्होंने अभी अभी गाड़ी सीखी वो तो ऐसे रास्तों में चला नहीं पाएंगे गाड़ी। भाई अमन क्या हाल है? हमारे गांव धौंतरी की SBI ब्रांच है यहाँ पर। ठीक है, हमारा बैंक का काम निपट गया है और अभी मैंने यहाँ पे से SBI ATM पे से 2000-4000 रुपये खर्चा पानी निकाल लिया है और अभी यहाँ से जाने की तैयारी है देहरादून। तो चल दो देहरादून, चल दो। यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है लम गाँव के पास में। यहाँ पर कैसे हुआ होगा,
ये वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इस वाली गाड़ी से हुआ भाई। आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे भाई, ये देखो यहाँ पर पूरा जाम लग गया। देखो उत्तराखंड में भाई आजकल आए दिन रोज ही एक्सीडेंट हो रहे, तो आप लोग भाई चले सेफ चले। देखो पूरा पीछे तक जाम हो गया, तो आप लोग। और ये देखो भाई ये मेरे फैन है, बल ये भी देखते हैं भाई ब्लॉग। छोटे छोटे बच्चे भी मिल गए यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर। यार इतना फेमस हो रहा हूँ क्या मैं जी? फाइनली सलाह मशूरा हो गया है और जाम खुल गया है यहाँ पर से। ये वाली गाड़ी जो है इसको रगड़ा एक टाटा सुमो ने। तो चलिए जी, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर से जाम खुल गया है और मैं अभी पहुँच गया हूँ लमगांव बाजार में। और बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड बाजार है यार, यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा जाम लगते रहता। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गया हूं मोटना वाली रोड पे। डोबरा चांटी 8 किलोमीटर के आसपास है। डोबरा चांटी पुल बनने से भाई हमारा 1-1.5 घंटे का रास्ता बच गया। बाकी भाई यहां से व्यू तो देखिए आप, एकदम ज़बरदस्त वाला व्यू आ रहा। ये देखिए आप, इतना ज़बरदस्त यहां से व्यू आ रहा ना भाई, उतनी ज़्यादा यहां पे गर्मी भी हो रही। चलिए भाई यहां से फटाफट निकलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगे। और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा भाई, वैसे वैसे और ज़्यादा गर्मी पड़ती जा रही है। मैं अभी डोबरा चांटी पुल के पास में पहुँच गया हूँ और यहाँ से ना भाई क्या ही व्यू दिख रहा भाई डोबरा चांटी पुल का। जी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई गंगा जी के किनारे जो रेत है ना बहुत सारी है, बहुत गर्म हो रखी है आजकल, एक गर्म गर्म हवाएं आ रही। तो दोस्तों मैं अभी पहुँच गया हूँ भाई डोबरा चांटी पुल के ऊपर, और ये पुल भारत का सबसे बड़ा झूला पुल है ये भाई। कितना खूबसूरत कितना मस्त है, और कभी आपको मौका मिले भाई तो डोबरा चांटी पुल पर जरूर आना घूमने के लिए, अगर आप नहीं आए हैं तो। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, सबका कल्याण करे। ओ भाई साहब, यहाँ पे से क्या गजब लग रहा है यार, कितना शानदार कितना मस्त वाला व्यू आ रहा है यहाँ से। झील के किनारे किनारे ये बादल तो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। सामने जो आपको दिख रहा है वो फ्लोटिंग हाउस है, वहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। और मैंने सुना कि वहाँ का जो एक नाइट का किराया है 2500 से 3500 के बीच में है भाई। पानी पी लेते हैं ठंडा एकदम नेचुरल, मजा आ गया। क्या इंजन ठंडा हो गया मेरा भी और गाड़ी का भी। मैं और मेरी पुष्पा पहुंची वह चंबा बाजार है, और गर्मी ना पूछा वह ना पूछा। चला वह शिवू पानी पहुंची। आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन आज यहाँ पर वैसे भीड़ नहीं है ना, पहले बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी। थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए भाई ये दाल चावल आ गया है, पेट पूजा कर लेते हैं थोड़ा। हेलो हेलो। तो चलिए जी बढ़िया करके पेट पूजा भी हो गई, और अभी मीठे में चल रहा है जी आइसक्रीम मैंगो वाली। और बाकी मैं खाने की बात करूं दगड़ियों, तो खाना ठीक ठाक था, उतना कुछ खास था नहीं, क्योंकि आजकल चल रहा है भाई यात्रा सीजन। तो यात्रा सीजन में भाई क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे ये लोग, क्वालिटी भी नहीं दे रहे। ये भाई आइसक्रीम भी पिघल रही है, फटाफट आइसक्रीम खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। देखिए जी यहाँ पर मुझे G20 देशों के समूह के पूरे झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इनकी सुंदर से यहाँ पर पेंटिंग बना रखी है। रोड के किनारे किनारे इन प्यारी प्यारी पेंटिंग्स को आप देखिए, कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही है। और देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति रीति रिवाज को अच्छे से दर्शाया गया है, और ऐसी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स ये पूरी यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक पूरी ऐसी बनी हुई है। तो देखिए जी यहाँ पर से हैं दो रास्ते, अगर मैं सीधे यहाँ से नीचे जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा नरेंद्र नगर होते हुए सीधे ऋषिकेश, और अगर मैं इस वाले रास्ते से जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा सीधे रानी पोखरी होते हुए देहरादून। तो चल मेरी लाठी देहरादून की बाटी। तो चलिए जी फाइनली 4-5 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुँच गया हूँ देहरादून में। आके पता चल रहा भाई कि गर्मियों का मौसम चल रहा, गाँव में तो पता ही नहीं चल रहा था भाई। बहुत बुरा फंस गया यार आज, रूम के गेट की जो चाबी है ना बाहर की, मैं अंकल जी लोगों के पास दे रखा था सामने, और अंकल जी भाई खुद ही अपने गेट बंद करके पता नहीं कहाँ जा रहे थे भैया। छलांग मार के आना पड़ा, क्या करना था जब आ जाएंगे तब खोल देंगे खुद ही, नहीं आएंगे तो भाई ऐसे ही हाल मार के जाना पड़ेगा अंदर वाला।